ये देखें जी आप सबकी भरपूर फरमाइश पे बाबर भाई, तो मैं अपना ख्याल रखिएगा और एरम के चैनल को सब्सक्राइब करें जी, बेल आइकन का बटन प्रेस करें जी। ये माथे का दाना प्रेस करने लड़कों ने, वेरी नाइस। इन्हें कुछ सुनाई नहीं दे रहा। हेलो, हिम्मत है तो मुझे हाथ लगाओ। ओए 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 तू। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू व्लॉग ऑफ इरम जावेद व्लॉग्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, पहले से भी ज़्यादा बहुत प्यारे होंगे, सुकून में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप सबकी दुआओं से, आप सबके प्यार से, अल्लाह पाक के करम से, अपने माँ बाप की दुआओं से मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज एक न्यू दिन और न्यू स्टार्ट आफ्टर ऑलमोस्ट 10 डेज, बैक टू रूटीन। और देखें कितना खूबसूरत लग रहा है आज मेरा क्लब और कॉलेज, क्या बात है यार। वो न्यू बिल्डिंग देख रहे हैं आप लोग, ये न्यू बिल्डिंग बन रही है और ये सारा जो है शमीम साहब का काम है, क्या बात है यार। ये कॉलेज की न्यू बिल्डिंग बन रही है, इंशाल्लाह जब ये बनेगी ये भी आपको ज़रूर दिखाएंगे, और बाहर से भी जब हम गुजरेंगे तो बाहर से भी इसको ज़रूर दिखाएंगे। ये तो आप लोगों को पता ही है, ये हॉस्टल है, मेन हॉस्टल है। चलें जी आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं जी। हम कॉलेज आ चुके हैं आफ्टर सो मैनी डेज, और काफ़ी चीज़ें बीच में गुजरी, छुट्टियां थी, फिर कराची चले गए, उससे पहले इस्लामाबाद में टूर्नामेंट था, वापस आई, आके फिर थोड़ा सा फैमिली गेट टुगेदर था, कल का भी आपने व्लॉग देखा, तो काफ़ी चीज़ें थी। लेकिन उसके बाद एट दी एंड जो है वो हमने आना तो अपनी रूटीन पर वापस, है ना, क्योंकि जी हम इसी से ब्लॉग करते हैं। ये जो है ना ग्राउंड, ये हमारी पहचान है, ये मट्टी, ये ज़मीन, ये ग्राउंड, ये आसमान, क्या बात है भाई, कितना खूबसूरत लग रहा है सूरज। ये हमारी एक अंडर 19 की प्लेयर है, ये अपनी कीपिंग की प्रैक्टिस कर रही है, और ये जो बच्चियां हैं ना ये बेसबॉल, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ये बेसबॉल की तैयारी कर रही हैं, ठीक है। मेरे ख्याल में बेसबॉल की भी इंटरवर्सिटी आने वाली है, तो ये उसकी सारी प्रैक्टिस हो रही है, और थोड़ी देर बाद क्योंकि 11:30 पे और यहाँ 12 बजे यहाँ पे जो है क्रिकेट का नेट स्टार्ट हो जाएगा, तो उससे पहले ये थोड़ी सी बेसबॉल की तैयारी हो रही है। ये पूरी कह लेंगे लाइन लगाई हुई है पूरी, आई थिंक ये होम रन होता है, भागना होता है पूरा, और फिर उसके कोई नंबर्स होते हैं, इस तरह से कोई सीन होता है मेरे ख्याल। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है, ठीक ठाक। चलें जी, बस मैंने कहा आप लोगों को मैं ज़रा यहाँ से स्टार्ट करूँगी, अब हमने जाना है। अभी मैं यहाँ पे इसलिए हूँ क्योंकि अभी मेरे पास थोड़ा सा टाइम है, तो मैंने कहा मैं ज़रा यहाँ पे आके, काफ़ी दिनों बाद आए हैं, ज़रा सबसे मिल लें, थोड़ा सा बातें शातें हल्ला गुल्ला कर लें। अभी अंदर ऑफिस में बैठे थे, हिना के साथ काफ़ी बातें शातें, बाकी टीचर्स के साथ काफ़ी बातें शातें कर रहे थे। तो जी अब 12:30 पे हमारा टाइम है NCA का, वहाँ पर जिम करना है, अपनी ट्रेनिंग होनी है, तो NCA जाएंगे, वहाँ जाके जो है हमने अपनी प्रैक्टिस करनी है, ट्रेनिंग करनी है, और क्रिकेट प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है जी। तो बस अब यहाँ से निकलते हैं थोड़ी देर में, और फिर इंशाल्लाह NCA जाके आपसे मुलाकात करते हैं, और वहाँ पे अगर हमें कोई और क्रिकेटर्स मिलते हैं वहाँ पे, तो क्योंकि PSL स्टार्ट होने वाला है, तो सारी फ्रेंचाइजीज का अपने अपने कैंप्स लग गए हैं, तो लड़के जो हैं वो ऑलमोस्ट सारे अपने अपने कैंप्स में मेरे हाल में चले गए होंगे, लेकिन अगर फिर भी कोई वहाँ पर हमें क्रिकेटर्स मिले तो आप लोगों को ज़रूर उनसे मिलवाएंगे, तो मेरे साथ रहिएगा। लुक कौन आया पड़ा है इधर, आयशा ही पड़ी है। चलें जी आयशा आ चुकी है, बस हम लोग अब यहाँ से निकल रहे हैं, एक ही गाड़ी पे जाएंगे क्योंकि आयशा क्लब आई, और हमारे साथ एक सीन हो गया। सीन क्या हुआ? हैंड हो गया। मैं अभी एक मिनट ठहरे, मैं आयशा को पकड़ाती हूँ, जरा गाड़ी स्टार्ट करो, मैं आप लोगों को स्टोरी सुनाती हूँ हुआ क्या है, और हम अब लोग ये यहाँ क्यों आई, क्लब क्यों आई, और अब हम इकट्ठे NCA क्यों जा रहे हैं, ये सीधा NCA क्यों नहीं आई, और मैं यहाँ से NCA क्यों नहीं गई, मैं आप लोगों को बताती हूँ, दो मिनट आप लोगों को बताती हूँ कि ये यहाँ पे क्यों आई। देखे चेक करें, काफी दिनों बाद जी है, अब हमने स्टार्ट की अपनी प्रैक्टिस, बस आपको पता है काफी चीजें थी, आप लोगों को मैंने ऑलरेडी बताया ही है। तो सीन ये हुआ कि हमने यहाँ पे अपनी थोड़ा थ्रो डाउन करने थे, हमने ये सोचा था कि यहाँ पे थ्रो डाउन करूंगी। ये देखें सारे पीछे बॉल्स रखे हुए हैं,
हमारे जो थ्रो डाउन बॉल होता है इस बैग के अंदर, व्हाइट वाले के अंदर, ठीक है जी। तो आयशा आगे कि हम थ्रो डाउन करेंगे सब, ठीक है जी, और फिर उसके बाद हम अपनी जिम के लिए निकलेंगे एनसीए। तो सीन ये हुआ कि जब हमने अपना दिमाग लगाया तो हमारे किट बैग्स तो ऑलरेडी एनसीए में ही हैं, तो हम यहाँ पे क्या करने आए थे, तो यहाँ वाला प्रोग्राम तो बढ़ गया। उसके बाद प्रोग्राम जारी रहा या खत्म? नहीं, प्रोग्राम किधर जारी रहा, प्रोग्राम तो बढ़ गया। अब हम जा रहे हैं एनसीए, किट बैग भी वही है, तो आयशा इसीलिए यहीं आ गई थी सीधा कि हम यहाँ पहले थ्रो डाउन कर लेंगे और फिर हम उधर एनसीए जाएंगे, लेकिन नहीं हो सका, इसीलिए बस हम यहाँ से इकट्ठे निकले। अभी मैंने कहा यार एक ही गाड़ी पे चलते हैं, तो दो दो पे जाना, फिर अब एक ही पे जाएंगे आराम से, वहां जाके थ्रो डाउन करेंगे, क्योंकि अभी 11:15 हो रहे हैं और 12:30 जो है ना वहां पे हमारी जिम स्टार्ट है हमारा, तो उससे पहले हम अपने थ्रो डाउन करेंगे। ऑलमोस्ट जी हम बस पहुंचने वाले हैं और कजाफी ये बस मैं आप लोगों को जल्दी जल्दी पहुंचाती हूँ। ये दरवाजा इन्होंने बंद किया हुआ है यहाँ से, तो थोड़ा ऊपर से घूम के जाना पड़ेगा, हमारी गाड़ी का स्टिकर तो है। हाँ ये वाला क्यों बंद किया हुआ है वैसे ये देखा जाए तो, अब पीएसएल वगैरह की मैच, हाँ पीएसएल की वजह से भी। चले इधर से खोला हुआ है इन्होंने दरवाजा, यहाँ से जाते हैं घूम के, यहाँ से अंदर जाते हैं। यस देखा ये खुला हुआ है, वो सात वाला बंद है, ये वाला खुला है। पहुंच चुके हैं, चले जी हम आ चुके हैं बस एनसीए, और अभी यहाँ पे मेरे ख्याल में ना कोई कंस्ट्रक्शन चल रही है, ये देख सकते हैं आप लोग। अब इंडोर जाके देखते हैं, अगर इंडोर अवेलेबल है या अगर बाहर अवेलेबल है फिर हम अपने किट बैग्स पकड़ते हैं और बॉल्स जो हैं वो गाड़ी में है, तो फिर लेके जाते हैं और हम फिर थोड़े से थ्रो डाउन करते हैं, अदरवाइज फिर हम क्या कहते हैं फिर 12:30 जिम का वेट करते हैं अगर थ्रो डाउन ना हो सके। पहले इंडोर देखते हैं फिर बाहर देखते हैं। इधर है जी इंडोर, ये कोई कंस्ट्रक्शन ही चल रही है मेरे ख्याल में, यहाँ ऊपर भी कुछ बनाने वाले हैं, इधर भी ये कुछ, यहाँ तो मुझे लग रहा है इसको थोड़ा एक्सटेंड करें। हाँ वो देख रहे हैं आप लोग, ये ऊपर इन्होंने थोड़ी सी ना ये बनाई है, ये एक्सटेंड कर रहे हैं थोड़ा, इसको ऊँचा लेके जा रहे हैं, ये सारा इसको ना सेटिंग करने वाले हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है, गुड गुड। इंडोर तो खाली पड़ा हुआ है, कोई भी नहीं है इंडोर में, सो हम हाँ पहले किट बैग देख लेते हैं। हैं अमीर भाई से क्या पहले इधर देख लेते हैं, देन फिर अमीर भाई से बात कर लेते हैं, तो हम यहाँ पे कर सकते हैं कुछ गुड। अब हम इधर देख सकते हैं स्टेयर्स के नीचे शायद किट बैग हों हमारे, यहाँ देख सकते हैं ये किसका, ये इमाम का किट बैग पड़ा हुआ, देख रहे हैं आप लोग इमाम का किट बैग इधर पड़ा हुआ, ये मुझे लग रहा मेरा है, नहीं ये तो सदफ है, वो असफंद है यार, आयशा इधर तो नहीं है हमारे, इधर देखते हैं वहाँ कहीं किट बैग्स तो नज़र आ रहे हैं, मुझे लग रहा है यकीनन इधर ही होंगे, ऐसा लग रहा है यहाँ हो सकते हैं। ये क्लिफी है, ये लड़कों के लग रहे हैं, ये क्लिफी का है, ये भी क्लिफी है, ये लड़कों के हैं, हाँ देखा ये लड़कों के बैग्स हैं, ये किसका है मजीद, अबे यार ये भी। सो किट बैग्स जो हैं वो उधर वुमेन विंग है, तो हमें यहाँ से निकलना होगा और किट बैग्स लेके हम आएंगे फिर। तो आयशा मुझे तो नहीं लगता कि हमें प्रैक्टिस का टाइम मिल पाएगा, फिर जिम ही होगा है, क्या टाइम हो गया 11:40 हो गए और 12:30 टाइम है, 12:30 पे है तो 12:15 पे तो ऑब्वियसली जिम जाना है, लेकिन चलो 10 थोड़ा बहुत तो हो ही जाएगा, 10-15 मिनट का टाइम मिल जाएगा। हाँ ये तुम सॉक्स दिखा रही हो सबको, वाह देखें जी सब आयशा की सॉक्स को प्लीज देखें और उसको अप्रिशिएट करें। Few inches late. चलें जी मैं ऊपर जाती हूँ और बस दोनों के किट बैग्स उठा लाती हूँ। मुझे लगता है ऊपर ही कहीं होंगे, इधर तो हो नहीं सकते। चल खैर ये लिफ्ट का क्या इश्यू चल रहा है, मुझे लगता है लिफ्ट चल नहीं रही है। वुमेन विंग ये रहा वुमेन विंग। बस लाएं जी कितना किट बैग्स ये पड़े हैं,
अब इसमें से निकालती हूँ मैं, मैं निकाल देता हूँ। इधर ये लग रहा है मुझे, एक तो ये मेरे ख्याल में आयशा का ये अपना किट बैग। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बस ये दो ही, बहुत शुक्रिया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। 15 मिनट्स लेटर ये मोहतरमा तो यहीं बैठी रहती है। उफ अल्लाह, चलें जी अब चलते हैं एनसीए की तरफ, हमारा जिम का टाइम हुआ चाहता है। 12 बज गए, जा रहे हैं। तुम क्यों नहीं? हाय सांस चढ़ गया मुझे। हम आ चुके हैं, अब हम इस तरफ से आए हैं गाड़ी घड़ी करके। इंडोर में तो कोई नहीं खेल रहा, किसने क्या, वो तो बाहर की लाइट्स आ रही थी। अब जा रहे हैं हम जिम की तरफ, यहाँ इधर। ओके जी, अंदर जा रहे हैं जिम। अस्सलाम वालेकुम, ये हमारे सुपर फिट ट्रेनर। हम अपना जिम स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है जी। ये भाई लोग भी, लड़के भी लगे हुए हैं फुल टाइम अपना जिम करने। बाहर भी अब सेशन हो रहे हैं। अभी आप लोग परेशान ना हो, मेरे माइंड में है, जैसे ही मुझे कोई नज़र आएगा मैं आप लोगों को ज़रूर मिलवा दूंगी, डोंट वरी। ओके, हेलो, तुम लोगों की शक्लें नहीं नज़र आ रही है। हेलो, बस बस बहुत हो गया, ओवर ना हो ज़्यादा। की हाल चाल? वालेकुम अस्सलाम, वड्डा मुँह आ गया। What? Bro, what are you talking about, man? किसकी? ये दोनों बस खाने की बातें करते हैं और कुछ नहीं। A few moments later. क्या हरकतें करी, शर्म नहीं आ रही तुम्हें? आप इतने दिनों बाद आ चुकी हैं। रोलिंग करने। चलो बस, तुमने ये सारी स्ट्रेचिंग आज ही कर लेनी है। चलें जी अपने। तुम्हें अपना ख्याल रखिएगा और इरम के चैनल को सब्सक्राइब करें जी, बेल आइकन का बटन प्रेस करें जी। ये जो आपके माथे पे बटन है ये प्रेस करने दे मुझे, एक मिनट ठहरे, ये माथे का दाना प्रेस करने दे। चलें ओके, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज सबको, बाय बाय बाय। यूसुफ भाई अल्लाह हाफिज, आपको बहुत मुबारक हो, बहुत अच्छा खेला है लड़कों ने, वेरी नाइस वेरी नाइस। चले भाई, चलो जी, हेलो, चलिए, वाह, दोस्त आई पड़ी है। ये देखें, ये पापा की परी आई पड़ी हैं, इन्होंने कानों में हेडफोन्स लगाए हैं, इन्हें कुछ सुनाई नहीं दे रहा। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। Few inches late. ये देखें जी, आप सबकी भरपूर फरमाइश पे बाबर भाई, आप गए नहीं जर्नी में, आजकल में चले, आपको बहुत गुड लक, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। चलें जी, बस हम लोग निकल आए हैं, आप लोगों ने बाबर से आप लोगों की मैंने छोटी सी मुलाकात करवा दी, बस वो भी जल्दी जल्दी में था, मैं भी जल्दी जल्दी थी, भाग भाग के मैं गई फटाफट उससे मिली, हेलो हाय कर दिया, गुड लक कर दी मैंने उसको। पीएसएल में अगर आप लोगों को क्लियर आवाज ना आई हो तो उसने कहा है कि आजकल में ही पिशावर जलमी जो है वो मैंने ज्वाइन कर लेना, अभी बस शायद थोड़ी प्रैक्टिस के लिए आया होगा, तो हमारा तो बस जाने का टाइम हो गया था, तो अब जो है बॉयज जो है वो मेरे ख्याल में इस टाइम वो आना शुरू हो जाते हैं और हमारा ऑलमोस्ट डन हो जाता है। तो बस जी, अब किनेट के रास्ते पे हैं, वापस जा रहे हैं, अपने क्लब जा रहे हैं और वहां जाके देखते हैं क्या शुगर मिल होता है। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपने क्लब और यहाँ का सीन आप देखें जी, कितनी रौनकें लगी हैं। यहाँ पे हमारा स्पोर्ट्स डे आने वाला है और स्पोर्ट्स डे की तैयारियां चल रही हैं, एरोबिक्स की तैयारियां हो रही हैं, उसके अलावा डिफरेंट गेम्स होंगी, इंशाल्लाह स्पोर्ट्स डे भी आपको दिखाएंगे, लेकिन वो थोड़ा सा दूर है, एक महीना है अभी ऑलमोस्ट, यहाँ मेरे हाल में कुछ हफ्ते हैं, लेकिन अभी आपको चल के एरोबिक्स की तैयारियां और जो जो भी तैयारियां हो रही है वो दिखाएंगे। हिम्मत है तो मुझे हाथ लगाओ, कुछ पूछा मैंने, इतनी हिम्मत है, मैंने पाँव नहीं, मैंने हाथ लगाने को कहा। अच्छा ठीक है, ओए 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 तू
अम्मी जी मुझे बचाओ। डुश, ओह शिट, अडुश, अडुश। देखें जी कितनी रौनकें लगी हुई है, स्पोर्ट्स डे की तैयारियां चल रही हैं। वैसे रौनकें तो नहीं, इक्का दुक्का लड़कियां हैं यहाँ पे। कहाँ चली गई, मैं लेट हो गई हूँ? ओह शिट, वरना यहाँ पे तो पूरा ग्राउंड भरा होता था। अभी ये सिर्फ दो तीन लड़कियां हैं यार। भाई ये हमारा स्पोर्ट्स डे कब आ रहा है? 1st मार्च को। आप लोग मेरे साथ रहिएगा, मैं आपको भी दिखाऊंगी व्लॉग में, आप लोगों को मैं दिखाऊंगी सारा अपना स्पोर्ट्स डे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? देखती हो वेरी गुड है ना, थोड़ी लंबी हो गई। और वेरी नाइस यार, क्या बात है, ये छोटे 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 बलूंगरे आए हुए हैं प्रैक्टिस करने के लिए। ये देखो भाई, ये अभी थोड़े से स्टेप्स चल रहे हैं प्रैक्टिस प्रैक्टिस वाली, लेकिन अभी हम आपको पूरा नहीं दिखाएंगे। हमारी जो ये जो एरोबिक्स हैं, ये आप सबके लिए सरप्राइज होगा, जो कि आप सबको सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट्स डे पे देखने को मिलेगी। 2000 years later। चलें जी, ओके बस मैं यहाँ से निकल रही हूँ, जरा मैं साइड साइड पे ही चला रही हूँ ताकि मैं आप लोगों को साथ साथ अपडेट दे सकूँ। अब सीन ये है कि मैं तो क्लब से निकल आई हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह प्रैक्टिस हो गई है और ट्रेनिंग मेरी सारी हो गई आज का दिन। अब मैं जा रही हूँ अपनी बहन की तरफ, क्योंकि आप लोगों को याद होगा जो फैमिली गेट टुगेदर हुआ था उस दिन, फिर शुमाइला बाजी ने कहा था कि मैं अम्मी को लेके जा रही हूँ अपनी तरफ, मेरा दिल है कि अम्मी जो है वो मेरे पास रहें कुछ दिन। तो अम्मी जो है वो चली गई थी शुमाइला बाजी के साथ। तो अब बिल्कुल पास मेरे कॉलेज के पास माल रोड पे ही है उनका घर भी, तो मैंने ये सोचा है कि मैं उधर जाती हूँ शुमाइला बाजी की तरफ, और जरा बच्चों के साथ भी थोड़ा हल्ला गुल्ला हो जाएगा, अम्मी को मिल लेंगे और अम्मी से अपडेट ले लेती हूँ कि भाई उनका कोई इरादा है घर आने का कि नहीं, तो अम्मी से पूछ लेती हूँ और बस फिर वहां से सीधा मैं वापस घर चली जाऊंगी, फिर आप लोगों को मैं अल्लाह हाफिज कर सकूं। Few inches late. जी एंटर हो चुके हैं और यहाँ तो बहुत अंधेरा है, उन्होंने मुझे चाबी फेंकी और मैं दरवाजा खोल के अंदर आ चुकी हूँ। लेट्स सी, ऊपर जाते हैं। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम, क्या हाल है? शुक्र है अल्लाह का। मां जी तुसी कार आना है कि नहीं, मैनू दसो है। मेरी मर्जी। कोई नहीं, चलो घर कर गई से। चलो चलो यार, फ्रेंड फिर वाला घर जा रहे हैं, घर जा रहे हैं, चले चलो 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 नहीं भाई, मेरी गलती है। नहीं नहीं मेरी गलती है। वालेकुम अस्सलाम है बेटा। यार जब भी सरप्राइज देती है बहुत बुरी तरह देती है। अच्छा जी सरप्राइज तो चाहिए। अस्सलाम वालेकुम मेरी बेटी प्यारी सी, ऐसे 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 मिलते हैं। हाँ जी, खुश हो गई मेरा, ये आ गई, खुश हो गई। अले जी आप भी आ जाएं। अभी सो गए थे हैं? और एक और छोटा बच्चा आ गया, जेवी जेवी आ गया। क्या किया उस बाप ने मेरा? बाप आई मेरी कैप, कैप खा जाओगी मेरी, सारी कैप खा जाओगी। मैंने आपने देखा कि इया आई और मुझे सरप्राइज दिया, तो आपने इया के चैनल को लाइक शेयर कमेंट और डोंट फॉरगेट क्लिक द बेल आइकन बटन। तो इया कहती है इसमें व्लॉगिंग ना करना, तो मैंने कर ली। और आपने कमेंट में बतानी है कि ये वाली व्लॉगिंग मैंने कैसी की, अगर अच्छी की तो लाइक कर दें और अगर ठीक की तो सब्सक्राइब कर दें, अगर बिल्कुल नहीं की तो कमेंट कर दें, ठीक है? यार बाय। चलें जी फाइनली मैं बस निकल आई हूँ बहन के घर से। अम्मी का तो अभी कोई इरादा नहीं है घर जाने का, वो तो अभी वो अम्मी भी छुट्टियां अयाशी कर रही हैं, छुट्टियों की छुट्टियां जो है वो एंजॉय कर रही हैं। तो अब बस मैं निकल आई हूँ घर की तरफ, मैं बस घर जाऊंगी, थोड़ा फ्रेश होंगी, खाना शाना खाऊंगी, ठीक है, अब्बू को देखूंगी अब्बू क्या कर रहे हैं। और इसी के साथ बस ये वाला व्लॉग बस मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, अल्लाह ताला आप लोगों की हर मुश्किल आसान कर दे, आप लोगों को हर मुश्किल से जल्द और बासानी निकाल दे। मुझे मेरे माँ बाप, मेरे बहन भाई, मेरे दोस्त, मेरे तमाम अजीजों को अपनी दुआ में याद रखें। चैनल को जल्दी से लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर करें, कमेंट करें, प्लीज डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि मेरा कोई भी व्लॉग आए तो आप लोगों को नोटिफिकेशन आए और आप लोग फौरन से उसको देख लें। ठीक है जी, इस व्लॉग को एंजॉय करें, नेक्स्ट व्लॉग का वेट करें।
आप सब के प्यार का सपोर्ट का बहुत ज्यादा शुक्रिया। मुझे इजाजत है अभी के लिए, अल्लाह हाफिज़। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।